हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंबोजा एक्सपेरिमेंट चैनल में। तो आज हम आपको 12 वोल्ट की बैटरी बनाकर दिखाएंगे। ये मेरे पास लैपटॉप की बैटरी में से निकाले हुए सेल हैं। तो आज हम इसकी लैपटॉप की बैटरी बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें पीवीसी पाइप की ऐसी शीट बना लेनी होगी जो मैंने बना ली है। तो अब हम इसके डायमेंशन लेकर इसको कट कर लेते हैं। सबसे पहले हम सेल को रख कर देख लेते हैं अभी ये कितनी जगह में पूरे आ जाएंगे। तो अब हम इसको मार्क लगा लेते हैं। हम थोड़ी सी आगे से स्पेस छोड़ेंगे। तो अब इसको कट कर लेते हैं इसके पीसेस। तो मैं कट कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसके पीसेस कट कर लिए हैं। और ये देखिए, ये साइड के हैं और ये इस साइड के मैंने कट कर लिए हैं। और अब हम इसमें सेल लगा देते हैं, इसको साइड पे करते हैं। देखो, अब हम इसमें सेल लगा देते हैं दोस्तों। अभी हमको इसके सेल इस तरह लगाने हैं, ये प्लस माइनस और प्लस और माइनस प्लस और प्लस, इस तरीके से हम इसको सारे लगाने हैं। और जल्दी से मैं इसको फेविक्स लगा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इन सेल को भी लगा लिया है इसके ऊपर। और अब हम इनके ये साइड वाले भी लगा देते हैं। तो मैं इसको लगा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने इसके साइड वाले पीसेस भी लगा दिए हैं। और अब हम इसके कनेक्शन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके कनेक्शन करने से पहले हमें इन सेल के ऊपर सोल्डिंग करनी होगी। तो चलिए हम सोल्डिंग कर लेते हैं। सोल्डिंग करने के बाद हमें इस साइड से इन दोनों को जोड़ना होगा। चलिए हम जोड़ लेते हैं। मैं पहले जोड़ता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने कनेक्शन कर लिए हैं। और इस तरफ से हमें इन दोनों को जोड़ना होगा, जिससे ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से ये 12 वोल्टेज बन जाएगी। और अब हम इस तरफ से भी एक वायर जोड़ लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसके कनेक्शन हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक वायर जोड़ कर आगे ले जाते हैं और यहाँ से एक वायर जोड़ कर निकाल लेते हैं। ये हमारी 12 वोल्ट बन जाएगी। और मैं इस वायर को जोड़ देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसके कनेक्शन कर लिए हैं। और अब हम इसके पीछे की साइड पर भी ये पीवीसी का शीट लगा देते हैं। मैं लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसके पीछे का साइड लगा लिया है। और अब हम इसके आगे साइड लगाने से पहले हमें इसमें दो होल करने होंगे, एक तो एलईडी के लिए और एक इसमें से ये वायर को बाहर निकालने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम इसमें होल कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये पीस में होल कर लिए हैं और इसमें एक एलईडी डाल दी है। और अब हमें यहाँ पर लगाना होगा। मैं इसको लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों,
ये मैंने सारे कनेक्शन कर लिए हैं इसके। ये देखिए, ये मैंने एक LED लगाई है आगे, और ये देखिए ये मैंने एक डायोड लगाया है। यहाँ पर मैंने एक डायोड लगाया है जिससे कि ये हमारे चार्जिंग के वक्त बैटरी की पावर हमारे चार्जर में ना जाए, और ये हमारे आउट हैं, आउट माइनस और आउट प्लस। ये हमारा प्लस है, इसमें से इन और आउट दोनों होंगे। अगर हमने चार्ज करना है तो इन दोनों से चार्ज हो जाएगा, अगर हमने कोई चीज़ चलानी तो इन दोनों से चल जाएगी। मैं आपको ये मोटर चला कर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, मोटर चल रही है। तो मैं अभी आपको 12 वोल्ट की बैटरी भी चला कर दिखाता हूँ। लाइट, ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस। ये देखिए दोस्तों, हमारी बैटरी डाउन है इसलिए थोड़ी थोड़ी जल रही है। और अब हम मैं इसको चार्ज करके भी दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास एक ट्रांसफार्मर की सप्लाई है, और ये हम माइनस का माइनस में लगा देते हैं, और ये हमारे पास प्लस है, ये देखना। तो मैं उस सप्लाई को ऑन करता हूँ दोस्तों। ये देखिएगा, ये LED ग्लो होगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने सप्लाई को ऑन कर दिया है, और ये देखिए लाइट जलने लग पड़ी है। और जब भी हम इसको ट्रांसफार्मर या और किसी चार्जर से करंट देंगे तो ये चार्जिंग शो करने लग जाएगा, और ये हमारा बैटरी चार्ज होने लग जाएगी। ये देखिए, मैं आपको शो करता हूँ भी ये चार्ज हो रहा है कि नहीं। मैं ये 12 वोल्ट की बैटरी टॉर्च लाइट अब जगा कर दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अभी पूरी तरीके से चल ग्लो हो रही है। अभी जब मैं इसकी तार हटाकर इसको चलाऊंगा ये तो स्लो हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये फिर से स्लो हो चुकी है। ये देखिए, अभी फिर से मैं अगर इसको चार्ज में लगाऊँ या तो ये फिर से पूरी ग्लो होने लग जाएगी। ये देखिए, इसकी लाइट जगने लग पड़ी। ये देखिए दोस्तों, तो चलिए हमारी बैटरी तो वर्क कर रही है। अब हम इसका ऊपर वाला कवर लगा लेते हैं। मैं इसको लगाता हूँ, फिर आपको इसकी लुक दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसके ऊपर का कवर लगा दिया है, और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर फीमेल जैक भी लगा सकते हो, लेकिन मेरे पास वो नहीं था इसलिए मैंने ये तार निकाल दी हैं। तो अभी ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसको सैंड पेपर की मदद से साइड से कस कर साफ कर लेंगे। तो दोस्तों, ये मेरे नए चैनल पर पहली वीडियो थी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छी लगे तो बाय।